बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। बेआसरा, नाउमीद, परेशान हाल और मायूस लोगों के लिए ये एक ऐसा अमल है जो 100% कबूलियत दुआ की शराइत पर पूरा उतरता है और लाखों औलिया के मुजर्रब मामलात में शुमार होता है। अगर आपकी तदबीर उल्टी हो जाती है, हर कोशिश बेकार हो जाती है, हर मंसूबे में नाकामी का सामना करना पड़ता है, पुराने से पुराने जिन्नात, बंदिश और सख्त तरीन बीमारी में ये अमल आप इंशाल्लाह आपको हर आमिल से बेनियाज करके हर मुश्किल से निकलने का रास्ता मुहैया करेगा और नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। इस अमल की इजाज़त आम है। मेरे दोस्तों, आपने कुछ इस तरह करना है कि सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी करें और अव्वल और आखिर 33 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान में एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास और तस्मिया। ये पूरा एक अमल हुआ। इसी तरह रोज़ाना ये अमल 41 मरतबा करें। ये अमल आपने 41 दिन बिला नागा करना है। जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं, अगर वो मकसद 41 दिन में पूरा नहीं होता तो फिर 91 दिन तक करें बिला नागा। हर किस्म की बीमारी, परेशानी और मुश्किल में कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ख़वातीन ख़ास अयाम के दिनों में ही ये अमल ना करें, बल्कि पाक होने के बाद, साफ़ सुथरे होने के बाद दिनों की तादाद पूरी करें और बाज़ौक हज़रात इस अमल को ज़िंदगी का मामूल बना लें तो खैर व बरकत के ठंडे बादल आप पर हर वक्त छाए रहेंगे और आप हर वक्त अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे और बुराई से बचाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह।